हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मेथी आलू की लेयर्ड वाला परोठा और ये परोठा आपको बहुत पसंद आएंगे और जब आप इन्हें बना के खाओगे और ये इतना सॉफ्ट है ना, क्या ही कहना, और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले और बनाना भी बहुत इजी है। अभी मेथी का सीज़न है, क्यों ना इस परोठे को बनाएं, देर ना करें, चलिए बनाना शुरू करें। तो इन्हें बनाने के लिए मैंने लिया है ये मेथी, मैंने ये 250 ग्राम मेथी ले लिया है और अच्छे से धो के साफ़ करके ले लिया है और इन्हें हम मिक्सी में डाल देंगे। ये एक कप है और इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। ये आलू थोड़ा सा ख़राब है और ये ख़राब वाला काट के निकाल देंगे। और ये दो मीडियम साइज़ का दो तीन आलू हम डाल देंगे इसमें। और डालने के बाद इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक और इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन 8-10 कली और ये 3-4 हरी मिर्च। थोड़ा सा तीखा चटपटा बनाएंगे ये परोठा। और थोड़ा सा दही, दही मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। और ये देखिए, और ये खट्टा दही नहीं है, फ्रेश दही है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी 2 टेबल स्पून और ये मिक्सी में पीस लेंगे। ये हमने मिक्सी में पीस लिया है, बढ़िया पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अभी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अभी हम मिलाएंगे इसमें 1 कप गेहूं का आटा, ये 1 कप ले लिया है मैंने और डाल दिया। और इसमें डाल देंगे 1/2 कप बेसन। मेथी के परोठे बनाएंगे तो बेसन तो पड़ता ही है, बेसन डालेंगे तो अजवाइन डालना ज़रूरी है, बेसन गैस करता है, तो अजवाइन डाल देंगे क्रश करके। 1 छोटी चम्मच डाल दिया है चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच डाल दिया है धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच डाल दिया है मैंने ये गरम मसाला और 1/4 टीस्पून डाल दिया है हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और थोड़ा सा चटपटापन आने के लिए मैंने नींबू का रस डाला है। और सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करके डो बना लेंगे। इसमें आटा ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डाल देंगे। ये हमने डो बना लिया है और डो हमने बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाया है और 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। ये 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट हमने रेस्ट पे रख दिया था। और इन्हें हम अभी रोटी बना लेंगे। अभी हम इस तरह से एक लोई ले लेंगे और लेके जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं इसी तरह से बनाना है। और हल्का सा बेल लेंगे, थोड़ा सा बेल लेंगे इस तरह से सूखा आटा लगा के, और जैसे रोटी बेलते हैं इतना ही पतला रखिए आप। तो इसको बेलने के बाद, ये हमने बेल लिया, इसमें हम लगाएंगे ऑयल, घी, मक्खन को जो भी आपके पास है इस तरह से आप लगाइए। फिर इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। ये स्क्वायर वाला रोटी हम परोठे हम बना रहे, तो ये देखिए मैंने इस तरह से कर लिया है, हाथों से टैप टैप कर दिया है। और फिर सूखा आटा लगा के हम इन्हें बेल लेंगे। ये देखिए, ये हमने बेल लिया है और इसी तरह से सभी को बेल के तैयार कर लेंगे। परांठा सेकने के लिए मैंने तावा गरम कर लिया है और जैसे तावा गरम हो जाए तो हम परांठा डाल देंगे। एक साइड से जैसे थोड़ा सा सेक जाएगा तो दूसरी साइड को भी हम पलट के सेक लेंगे। इसमें घी, ऑयल, बटर जो भी आपके पास है इसमें ऐड कीजिए, डालिए। और डालने के बाद इस तरह से प्रेस करके, स्पैचुला से प्रेस करके अच्छे से फुला फुला के परोठे को सेकना है। ये देखिए अच्छे से फूल गया है, परोठा फूलने लग गया है। और इन्हें दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन सीटी आने तक हमें इस तरह से सेकना है। अच्छे से सेकने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए परोठा बहुत अच्छा सॉफ्ट परोठा बन के तैयार है और हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए, और इसी तरह से बाकी की परोठा भी बना के तैयार कर लेंगे।
ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी आलू मेथी की परोठे बनके तैयार है, और इन्हें आप दही, रायता और किसी भी अच्छी सब्जी के साथ परोसिए, सब्जी ना हो तो दही रायता के साथ भी बहुत परोस सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लेयर्ड वाला परौठा और बिल्कुल सॉफ्ट, और खाने में बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट है, मुंह में घुल जाने वाली। और इस रेसिपी को आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, आपकी लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्व रखता है। मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।